नमस्कार दोस्तों, जब हर जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है तो रोबोट हमारी मदद कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने में, और वो सामान पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं जब सभी लोग घरों में छुपे हुए हैं। कई जगह कोरोना वायरस से लड़ने में रोबोट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना रिसीव कर रही हैं एक महिला। कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 61,40,934 कन्फर्म्ड केसेस अब तक कोविड-19 के हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल साइट है, और अब तक 3,73,500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस हुए हैं, फिर यूरोप में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, अफ्रीका में केस हैं। हर जगह कोरोना वायरस की वजह से मौतें हुई हैं, लोग बीमार पड़े हैं। ऐसी महामारी से लड़ने के लिए रोबोट्स का सहारा लिया जा रहा है। कई देशों ने रोबोट्स की मदद ली है, कई सामान पहुंचाने के लिए, कहीं पे इलाज करने के लिए। आपको बता दूं, रोबोट क्या होता है। रोबोट एक मशीन होती है जो होती है स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाई अ कंप्यूटर, जो एक कैपेबल काम करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्शन करती है, किसी एक काम के लिए होती है। वो इंसानों का काम आसान करती है किसी भी काम के लिए। वो प्रोग्राम्ड होता है, किसी एक काम को करता है। यहाँ पर ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है, अ सिटी लॉकडाउन्स टू फाइट कोरोना वायरस बट रोबोट्स कम एंड गो। आप देख सकते हैं, रोबोट की मदद से लोगों को सामान पहुँचाया जा रहा है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, लिखा है, मेडिकल रोबोट्स टू द रेस्क्यू इन द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में रोबोट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ रोबोट्स के बारे में जान लेते हैं जो कोरोना वायरस में मदद कर रहे हैं। पहला रोबोट है बॉस्टन डायनेमिक्स का येलो डॉग। ये रोबोट सिंगापुर के पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रहने में मदद करता है। कई प्रकार के सेंसर्स लगे हुए हैं, कई सारे कैमरे लगे हुए हैं जो लोगों को देखता है और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहने की हिदायत देता है। दूसरा रोबोट है जोरा रोबोट्स। यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड कराया था रवांडा को, 5 रोबोट दिए थे। ये बेल्जियम कंपनी का है। जोरा रोबोट्स जो बिना मास्क पहने हुए लोग होते हैं उनकी पहचान करता है, तापमान की गणना करता है, लोगों को देखता है और सुनता है, फिर उनमें अब नॉर्मेलिटीज़ यानी कि और उनकी असामान्यताओं की पहचान करता है। इसी क्षेत्र में तीसरा रोबोट है स्टारशिप टेक्नोलॉजी का रोबोट। इसे ब्रिटेन के मिल्टन केस के 6 रोबोट्स खाद्य पदार्थों और सुपरमार्केट से छोटे सामान को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में किया जा रहा है इसका उपयोग। इस रोबोट में पहिए लगे हुए हैं कि स्पीड करीब 6 किलोमीटर पर घंटे की है। लॉकडाउन के समय ये लोगों के घर तक सामान ले जाता है, उनको डिलीवरी करता है, और डिलीवरी चार्ज राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये रोबोट ओमनी लैब्स का है, इसका नाम है नूमी रोबोट्स। ये खास तौर पे छात्रों के लिए बनाया गया है। ये जापान में छात्रों की मदद करता है। ये जो है कोरोना वायरस के कारण क्वारंटाइन में पहुंचे छात्रों की जगह स्नातक समारोह में हिस्सा लेता है। इन रोबोट्स के सिर पर कंप्यूटर टैबलेट्स लगे होते हैं। जूम ऐप के ज़रिए स्टूडेंट्स इससे जुड़े रहते हैं और विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। डिग्री प्राप्त करने के समय ये बाकायदा डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की तरह परंपरागत पोशाक में होते हैं। आखिरी रोबोट है यूवीडी रोबोट्स। ये डेनिस रोबोट है, चीन के अस्पतालों में लगाया गया है। ये रोबोट शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट रेस के जरिए किसी भी सूक्ष्म जीव के डीएनए और आरएनए को नष्ट कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। हालांकि यह रोबोट बहुत हानिकारक है, अगर कोई व्यक्ति इसके पास चला जाता है तो उसके भी डीएनए और आरएनए को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह प्रोग्राम्ड होता है, इसलिए जब तक मेडिकल स्टाफ इसके पास होता है ये काम नहीं करता। तो ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।